Be gentle, it hurts. Mom, ये आप क्या कर रही हैं? Wait a second. बेटा, मैं टैटू बनवा रही हूँ. आपको नहीं पता कि कल अंकल डनहिल की तरफ पार्टी है जिसमें आंटी बेंसन भी आ रही हैं और गोल्डलीफ की सारी फैमिली आ रही है. तो that's why I'm grooming myself. मॉम, आप यहाँ पे टैटू बनवा रही हैं. आपको पता है लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं जिसमें आधे से ज्यादा टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं. और आपको पता है पूरी सोसाइटी वाले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ओहो, प्लीज लीव अस अलोन. एंजॉय द पैनकेक्स. और अगर हाईची करना चाहते हैं तो बाहर दो हाईटीज लगी हुई हैं. राइट वाली जो है वो चैरिटी ड्राइव है और लेफ्ट वाली मेरे गेस्ट के लिए. तो आप लेफ्ट वाली एंजॉय करें, ठीक है? बेटा, मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान का, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं. इस सोसाइटी में जितने लोग धरना दे रहे हैं ना बिल्स के ऊपर, उन्हें जाकर कहें कि जनरल सेल्स टैक्स और फ्यूल एडजस्टमेंट्स आपके रिच होम पे करेंगी. और हमारी पहली 16 मल्टीनेशनल कंपनीज में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना पाकिस्तानी, उन सब के बिल भी मैं पे करूंगी. Oh my God, Mom, आप कितनी अच्छी हैं. आपको गरीबों का कितना ज्यादा एहसास है. By the way, हमें कितना बिल आया है? हमारी जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो है 1 करोड़ और जनरल सेल्स टैक्स हमें आया है सिर्फ 5 करोड़. इसमें इतना परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 15 करोड़ के तो मैंने ये टैटूज बनवा लिए हैं, क्योंकि ये टैटूज रात को चमकते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं. और इनकी खास बात यह है कि ये चांद पे जो मिट्टी है ना उसकी इंक से बने हैं. जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ ना तो ये गायब भी हो जाते हैं. खैर, आप इतनी टेंशन ना लो. नीचे ड्राइवर खड़ा है, आप उसे बोलो कि वो आपको मेरे रूम में ड्रॉप करे. वहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड लें और गरीबों के मसले सॉल्व करें. Oh really, Mom? You are great. Rich Mom, best Mom. अम्मी जी उठे. की है टूट पैने, मेरी सारी नींद खराब कर दीती है. अम्मी जी, आपको नींद की पड़ी हुई है. यहाँ पे 40,000 रुपया बिल आ गया बिजली का. की? ओ अम्मी जी, ये क्या कर रही है? नहीं, मैंने चेक करन दी है. मैं कितने ख्वाब तो नहीं देखन दी. और अब बाकी है की करते. अच्छा, मैंने गल दस, तेरा प्यो कितने वे? वो जाग गया थे? नहीं नहीं नहीं, जागे नहीं है. वो साथ वाले कमरे में सो रहे हैं. वे समी आराम दे नाल बोल, तेरे प्यो नु पता लग गया ना कि 40,000 बिल आया, उन्हें हार्ट अटैक होया. नहीं, वो देखिए बेचारा दिल का मरीज ही. अम्मी जी छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं 40,000 बिल आ कैसे गया हमें? टूट पैने मर जाने. मैं तुहानू आ नहीं है कि बिजली वाले नूं बुलाओ, उन्हें अपना मीटर चेक कराओ. पूरे महल्ले ने कुंडे साड़ी मीटर की तार दे नाल पाए सन. हुण पूरे महल्ले दा बिल सानू आ गया. हुण होइओ कुछ तुसी. ओए अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है. 25,000 रुपये तो खाली टैक्स के ऐड हुए अंदर. हाय अल्लाह, हुकूमत टैक्स ने. इन्हें कजरा ने पहले डैम टैक्स खाधा, हुण इन्हां ने बिलों ने टैक्स खाने ने. माड़ा बंदा बिल जमा करेगा अपनी धीआं दे ब्याह करे. मेरी गल सुन पुत्र, ते काफी पैसे फड़ के दरख्वास्त लिख, ते गैपो दे विच जा के ना दे के आ बिजली वाले नूं. उन्हां ने कहा साडा बिल कटा दो, जे नहीं कटा दे ना फिर हुण लाइट तो बगैर ही लवो. मैं नहीं बिल देण लगी. जी भैया. मॉम, ये हमारी कंट्री को क्या होता जा रहा है? What happened बेटा, इतने परेशान क्यों हो? You know मॉम, मैं जब भी सोशल मीडिया यूज करती हूँ या मैं जब भी अपने फ्रेंड्स में बैठती हूँ, हर कोई पॉलिटिशियंस डिस्कस कर रहा है. पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं. किसी को भी हमारी कंट्री की कोई भी परवाह नहीं है. और ये चीज मुझे इतनी ज्यादा डिप्रेस करी है. I can't tell you मॉम. ओ बेटा, listen to me. इन सब पॉलिटिशियंस को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. ये सब सिर्फ हम लोगों की अटेंशन चाहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं. और तमाम पाकिस्तानी यही गलती कर रहे हैं. उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको इतनी अटेंशन दे रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ने बकरियों की तरह सबको पीछे लगाया हुआ. मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर तमाम पाकिस्तान इन पॉलिटिशियंस से बायकॉट करें 10 दिन के लिए, तो ये सब सीधे हो जाएंगे. एंड आफ्टर ऑल, एवरीवन नोस, पाकिस्तान को तो ना इमरान खान ठीक कर सकता है और ना ही शहबाज शरीफ. पाकिस्तान को सिर्फ रिच मॉम ठीक कर सकती है. पूछो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे बेटा कि जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगी ना, तो मैं एक रिच मॉम लॉ पास करूंगी एजुकेशन के ऊपर. और वो लॉ ये होगा कि जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग यू और जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबको डेली सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा. और जिनके पेरेंट्स इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको रिच मॉम सीधा कोर्ट में लेके आएगी. फिर आप देखना कैसे ये पाकिस्तान सीधा होगा. ओह वाओ मॉम, नेक्स्ट पीएम तो आपको ही बनना चाहिए. रिच मॉम, बेस्ट मॉम. अति
तेरी बूथी दे चैनल कौन चेंज कर रहा है। ओहो अम्मी जी, इधर मुझे इतनी टेंशन लगी हुई यार, आपको मजाक सूझ रहा है। पुत्रा तो अनुकात की टेंशन आने टेंशन आते माँ पे नहीं होनी चाहिए ने, जिन्हें तोड़ी फीसा दे रही है, तोड़े खर्चे पूरे करने ने, तू क्यों परेशान है जी। अम्मी जी आपको क्या बताऊँ, आजकल हर जगह पे एक ही चीज ट्रेंडिंग में चल रही है और वो है पॉलिटिशियन। सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं और आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं है। हाँ पुत्र गल तो सही कह दिया, हमें हुकूमत ने आपस लड़ मर जाना है, आवाम की किसी को फिक्र नहीं। आवाम पहले भी रोलते सी, उन्हें हूं भी रोलना है। नाले मैंने एक गल दस, अ छोटा जना मेरे सामने बैठा वे अड्डा तू ढिड कड लै, MBA किते तेनू एक साल हो गया वे, हाले तक तेनू जॉब तो कोई मिली नहीं, पहले तू कमा के कुछ मेरी थेरी ते रख ना, फिर मैनू पता लगे। फिक्र तेनू इंज पई है जिवें अगला प्राइम मिनिस्टर तू बनना वे। वैसे प्राइम मिनिस्टर से याद आया, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करेंगी? जा टर जाए इतों, प्राइम मिनिस्टर बनाना है तू मैनू, तेरे प्यो ने सारा मुल्की खजाना ना अपनी भैनों दे देना, उन्होंने घर ही भरने ने, वो भुखिया कमीना ने रचना, तो ऐसे चुप करके ना मेरा पुत्र तू जॉब लभ तो मैनू प्राइम मिनिस्टर रहन दे। तो हर वक्त आपको गुस्सा जड़ा रहता है, आपसे तो बात करनी फजूल है। मॉम, व्हाट हैपेंड? मैंने पूरे घर में आपको ढूंढा है और आप यहाँ पे इतनी उदास क्यों खड़ी हैं? बेटा मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि जब मैं फेसबुक या यूट्यूब पे सलाब जदकान की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे उन पे तो तरस आता है, लेकिन अपने ऊपर और इस पूरी आवाम पर शर्मिंदगी भी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करते हैं, एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, सिर्फ अपने लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। यू नो वन थिंग, 2005 के जलजले ने उतनी तबाही नहीं मचाई जो इस 2022 के सैलाब ने वहां पर मचाई है, और हम क्या इनपुट दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। जब तक ये पानी हमारे घरों में नहीं ना आएगा, हमें अंदाजा नहीं होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी अमीर हूँ, मुझे ऐसा क्या कर लेना चाहिए कि मैं किसी तरह उड़ के उनके पास पहुँच जाऊँ और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। बिल्कुल ठीक कहा मॉम आपने, वो लोग इस टाइम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होंगे, हमें उनके पास जाना चाहिए। मैं अभी सुबह की लीव लेती हूँ और हम सुबह ही चलेंगे उनके पास। ओके बेटा लेट्स गो। मैडी प्राइवेट जेट की टैंकी फिल करो। देसी मोम चाहने लियो, देसी मोम तुहानू एक गल कहना चाहती है, यह बहुत जरूरी गल है। तुहानू पता है कि पिछले दिनों में साडे मुल्क विच सैलाब आए ने, किन्ने लोग घरों तो बेघर हो गए ने, लोगों के होटल डुब गए ने, लोगों को पाने से कपड़े नहीं रहे, खाने से खाना नहीं रहा, पीने से पानी नहीं रहा। मैं तुहाडे अग्गे गुजारिश करनी हाँ कि तुसीं लोगों की मदद करो। इस लई असीं एक NGO ओपन की है हैल्पिंग हैंड्स के नाँ तो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के भी पाया वे तो कमेंट के भी है, तुसीं उत्थे जाके क्लिक करो। उसदे उत्ते साडे अकाउंट नंबर लिखे ने, साडे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे ने, साडे नाल राबता करो। अल्लाह ने तुहानूं जिन्नी भी तफीक दित्ती है तुसीं उहदे उत्ते सानूं अपनी जिहड़ी जिन्नी भी डोनेशन है भेज सकदे हो, और इंशाल्लाह असीं तुहाडी जिन्नी भी डोनेशन मदद करांगे। अल्लाह ताला सानू साडे मकसद विच कामयाब करन। आमीन।